पढ़ाई लंदन से पूरी की। वे बचपन से ही साहसी और वीर थे। उनके वीरता का पहला किस्सा तब का है जब बगल में उन्हें एक बार फोड़ा हो गया था। माता पिता ने उस फोड़े का खूब इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रहा था। उसके बाद एक वैद्य ने सलाह दी कि अगर लोहे के गर्म सलाखे से फोड़े को दाग दिया जाए तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। किसी की भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी गर्म सलाखे से फोड़े को दागने की। तब खुद ही वल्लभ भाई पटेल ने गर्म सलाखे से अपने फोड़े को दाग दी। उससे फोड़ा फूट गया और वो ठीक हो गए। एक ऐसा ही किस्सा और है जिसके बारे में पढ़ते हुए लोग भावुक हो उठते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैरिस्टर बनने के बाद वकालत शुरू की। एक दिन वे जज के सामने किसी मामले में अपने मुवक्किल की ओर से केस लड़ रहे थे। सुनवाई के दौरान ही उनके लिए एक अर्जेंट टेलीग्राम मिला। पटेल ने उसे पढ़कर अपनी जेब में डाल लिया और वो केस लड़ते रहे। केस खत्म होने के बाद ही वे घर के लिए निकले। बाद में पता चला कि उस टेलीग्राम में उनकी पत्नी के निधन की सूचना थी, किंतु सरदार पटेल ने जीवन धर्म से पहले अपने कार्य धर्म का पालन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ रहकर भारत के स्वतंत्र आंदोलन में आत्म भूमिका निभाई। वे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न की पदवी दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद